नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं प्रिंस चंद्रा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन में दो व्हाट्सएप किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है जिसका मैं आज जवाब देने वाला हूं, जो काफ़ी हेल्पफुल है कई लोगों के लिए। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस लाल बटन पर जाना है और इसे दबाना है। मैं ऐसे रोज़ रोज़ नई नई वीडियोज़ बताता रहता हूँ जिसमें आपको टिप्स, ट्रिक्स और ट्यूटोरियल सीखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के वीडियो पर आते हैं। अगर आप भी अपने फ़ोन में दो व्हाट्सएप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने नॉर्मल व्हाट्सएप को खोलिए जो इस टाइम आप यूज़ कर रहे हैं, और फिर आपको उसकी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको चैट सेक्शन पे क्लिक करना है, और चैट सेक्शन के बाद आपको चैट बैकअप पे क्लिक करना है। आपको हरे कलर के बैकअप बटन पे क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं कि बैकअप होना प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा टाइम लेगा बैकअप होने में। दरअसल हम बैकअप इसलिए ले रहे हैं ताकि आपकी कोई भी चैट डिलीट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि बैकअप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको होम बटन दबाना है और आपको अपना फाइल मैनेजर खोलना है। जो व्हाट्सएप मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है वो आपको इस टाइम इंस्टॉल करना है। तो ध्यान दीजिए, और आपको आप ध्यान दीजिए कि आप डिस्क्रिप्शन से वो फाइल डाउनलोड कर लें। तो आपको व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हैं कि सिंपल व्हाट्सएप है, पर इसके आइकन पर लिखा है GB व्हाट्सएप। सो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, चिंता मत करिए। आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन से पहले आप देख सकते हैं कि आपके फ़ोन में इस टाइम दो व्हाट्सएप आ चुके हैं। तो जो व्हाट्सएप मैंने आपने अभी अभी इंस्टॉल कराया उसे सबसे पहले ओपन करिए। और अब आपके सामने दो ऑप्शन आ गए हैं, रीस्टोर और एग्री एंड कंटिन्यू। आपको एग्री एंड कंटिन्यू पर जाना है, रीस्टोर पर नहीं जाना है। तो एग्री एंड कंटिन्यू पर आप जैसे ही जाते हैं कोई आपका मोबाइल नंबर डालने के लिए बोलेगा। आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं बोल रहा है एंजॉय लाइफ टाइम सर्विसेज और व्हाट्सएप। सो इनिशियलाइजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गया और मेरा व्हाट्सएप नॉर्मली चल रहा है। आपके सारे कॉन्टैक्ट्स आपके यहाँ आ चुके हैं और आप नॉर्मली इस व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं। सो अब आपका दूसरा व्हाट्सएप अकाउंट सेट करने की बारी है। तो सबसे पहले अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप को डिलीट मारिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए कम्प्लीटली। उसके बाद आपको फ्रेश व्हाट्सएप दोबारा से ऑफिशियल व्हाट्सएप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। तो थोड़ा टाइम ले रहा है। आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप हम आ चुके हैं प्ले स्टोर पे। हमें सबसे पहले इसे इंस्टॉल करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लीजिए और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा डाउनलोड होने में। आप देख चुके हैं कि डाउनलोड हो चुका है और ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। तो जैसे ये इंस्टॉल होता है आपको इसे ओपन करना है और एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको ये नंबर डालने को बोलेगा। आप अपना नंबर डालिए, जो दूसरा नंबर, और उसके बाद ये आपको बैकअप शो करेगा जो हमने पहले लिया था। आप उसे रीस्टोर भी कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी स्किप कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। आप देख सकते हैं कि आपके सारे कॉन्टैक्ट्स और सारे चैट्स वापस आ चुके हैं इस समय। सो अब आप देख सकते हैं कि आपका दोनों व्हाट्सएप आराम से चल रहे हैं। मैं अभी मैसेज भेज के आपको प्रूफ दिलाता हूँ कि दोनों व्हाट्सएप आराम से चल रहे हैं। सो ये मैंने अपने पहले सिम से मैसेज भेजा है पहले व्हाट्सएप पे। तो आप देख सकते हैं नॉर्मली मैसेज शो हो चुका है स्क्रीन पर। और अभी मैं आपको भेजता हूँ दूसरे सिम से, दूसरे सिम पर मैसेज। अब देख सकते हैं कि दूसरी सिम पे भी व्हाट्सएप नॉर्मली शो कर रहा है। तो या ये सिंपल सा प्रोसेस था जिससे आप सिंपल सी ट्रिक थी जिससे आप अपने फ़ोन में दो व्हाट्सएप बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। मैं इस तरीके को दो हफ्तों से ज़्यादा से इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये बहुत ही आराम से यूज़ हो रहा है बिना कोई दिक्कत के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।